अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ रीदर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अर्ज़ करूँगा कि जो भारिया मकई का काश्त हो रही है हमारी, उसमें कुछ कौन सी खादें डालनी चाहिए, मतलब कौन सी जदीद खादें डालनी चाहिए जो कम खर्चे में हम उसका फ़ायदा ज़्यादा ले सकें। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखें जो भारी मकई आप काश्त हो रही है ना, ये फरवरी की वास्त की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में लेट जो होगी उसका और मतलब प्रोसीजर और होगा। ये मैं फरवरी की वास्त में जो काश्त हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो मकई आप काश्त हो रही है ना, उसमें तकरीबन एक बोरी DAP और एक बोरी आर्जीवेट 25 से 30 किलो आर्जीवेट ये नीचे डालें। जो अगर आपने आर्जीवेट नहीं डाल रहे तो फिर आप दो बोरी, कम से कम दो बोरी DAP की डालें तो फिर ही हमारी मकई की जो है खुराक पूरी होगी। अगर आप एक बोरी डालना चाहते हैं तो फिर एक बोरी आर्जीवेट की डाल लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं आर्जीवेट के बारे में डिटेल से। तो जो जब हम पहला पानी लगाएंगे ना मक्की को, उस वक्त P44 12.5 किलो और आधी बोरी यूरिया ये फ्लड कर दें और इसके साथ तकरीबन 500 ग्राम हेडलैंड ZN, मतलब जिंक हेडलैंड ZN कर दें या कोई और जिंक, ये लाजमी जिंक इसके साथ इस्तेमाल करें। तो जब हमारी मक्की तकरीबन 45 दिन की हो जाती है ना, उस वक्त है 12.5 किलो अल्ट्रासोल 16x23 और आधी बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। जब फिर उसके बाद 60 दिन की मक्की हो जाती है, उस वक्त है तकरीबन जो है ना 10 किलो फिर 16x23 और तकरीबन 10-15 किलो जो है यूरिया फिर लाड़ी करें। जब हमारी मक्की पूरी छल्ली बना लेती है ना, तो उस वक्त जो है ना हमें पोटाश की ज़रूरत होती है, उस वक्त हम 13-2-43 अल्ट्रासोल स्वात एग्रो की, ये जो प्रोडक्ट बताई है ना मैंने, ये स्वात एग्रो की है, तो ये फ्लड करें तकरीबन 12.5 किलो। तो इंशाल्लाह इससे हमारी जो एवरेज अच्छी ज़बरदस्त आएगी और मुनासिब ख़र्चा होगा इससे। जो मतलब जदीद आ रहा है ना दौर, उसमें यही खादें इस्तेमाल होने वाली हैं। फर्टिलाइज़र ये इसके सिवा और DAP तो मिल नहीं रही, ये सब देख रहे हैं DAP यूरिया अब कितनी मुश्किल से मिल रही है, किसी को मिलती है तो वो पूरी नहीं आती, मतलब 5 बोरी चाहिए होती तो 1 बोरी मिलती है। तो अब हमें इन खादों की तरफ ध्यान तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इनके रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट 100% हैं, तो इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा जो है आज का प्लान था, मतलब आज की वीडियो का यही खुलासा था। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।